हे नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ Redmi Note 8 और एज वेल एज काफी सारे डिवाइस के लिए यहाँ पर MIUI 12 का जो डेट है वो आ चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच दिखाने वाला हूँ, ये सब कुछ क्या डेट फिक्स है, सही है, फेक है, क्या है, सारी बातें गाइस मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस अगर आपके डिवाइस में अभी तक MIUI 12 का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और गाइस काफी सारे मुझे यहाँ पर DM आ रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर के भाई ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है ये सही है या फेक है। तो गाइज अगर आपको भी जानना है क्या है तो प्लीज गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब हमारे चैनल टेक रिस्क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइज यहाँ पर दो स्क्रीनशॉट हमारे सामने आए हैं। एक में गाइज यहाँ पर दिखाया गया है कि Redmi Note 7, Redmi Note 8 में यहाँ पर अक्टूबर 10 से पहले अपडेट आ जाएगा। इसके बाद Redmi 9 Prime, Poco M2 Pro में यहाँ पर जो अक्टूबर है उसके पहले यानी कि 15 अक्टूबर से पहले अपडेट आ जाएगा। इसके बाद Redmi 8, Redmi 7, Redmi 6 में गाइज अक्टूबर 30 यानी कि एंड ऑफ अक्टूबर तक जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर Redmi Note 8 का जो अपडेट देखने को मिला है कि इंडिया वेरिएंट में एज वेल एज ग्लोबल वेरिएंट में आपको 10 अक्टूबर के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो गाइस दरअसल बात यह है कि यहाँ पर जो Xiaomi की मैं काफ़ी सारा न्यूज़ दिखाता हूँ, RPRNA करके एक वेबसाइट है जो कि काफ़ी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जैसा न्यूज़ प्रोवाइड करती है। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास दोनों यहाँ पर पोस्ट की लिंक आ चुकी है जिसमें बताया गया जो सारा शेड्यूल का मामला क्या है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ MIUI 12 अपडेट फॉर Redmi Note 8 मे बी रोल आउट ग्लोबली बाय मिड ऑफ अक्टूबर। गाइस यहाँ पर मुझे टेलीग्राम पर हर लोग पूछते हैं कि भाई हमारे Redmi Note 8 में अपडेट कब आएगा। तो गाइस यहाँ पर भी काफ़ी मेंशन कर दिया है कि Redmi Note 8 में आपको फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में अपडेट देखने को मिल जाएगा। बट गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.0.2.0 का जो अपडेट है वो Redmi Note 8 चाइना वेरिएंट में देखने को मिल चुका है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो साइट ने कंफर्म किया है कि अनऑफिशियली उसको मालूम है यानी कि प्रेडिक्ट करते हैं काफ़ी लोग कि अपडेट कब आ सकता है। तो गाइस इस साइट के मुताबिक अक्टूबर 10 के आसपास जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। पर गाइस यहाँ पर अक्टूबर 10 कोई डेट फिक्स नहीं है, प्रॉपरली डिपेंड है Xiaomi की डेवलपर की ओर से, यानी कि आपकी डिवाइस में अपडेट 10 अक्टूबर भी आ सकता है, 9 अक्टूबर को भी आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है। बट गाइस जो 10 अक्टूबर है वो कोई भी फिक्स डेट देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस यहाँ पर न्यूज़ कन्फर्म हो गया कि 10 अक्टूबर एक फेक डेट है। इसके अलावा गाइस एक और पोस्ट हमारे सामने आई है जिसमें बताया गया काफ़ी सारे डिवाइस का शेड्यूल, जैसे कि Redmi Note 7 मैंने पहले वीडियो में आगे दिखा दिया कि 10 अक्टूबर के आसपास Redmi Note 7 और Redmi Note में अपडेट देखने को मिल जाएगा। यानी कि गाइस यहां से काफ़ी सारे वीडियो पहले भी मैंने बता दिया था, जो अपडेट है वो गाइस फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल सकता है Redmi Note 7 और Redmi Note 8 में। Redmi 9 Prime और Poco M2 में गाइस यहाँ पर मिड ऑफ अक्टूबर के आसपास जो शेड्यूल है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर गाइस एक और वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैंने पहले ही बता दिया है, एक कंफर्म न्यूज आ चुकी है डेवलपर टीम की ओर से जिसमें बताया गया है कि अक्टूबर एंड तक मोस्ट ऑफ डिवाइस में MIUI 12 का अपडेट है वो आ सकता है। फिलहाल गाइस यहाँ पर Redmi Note 5 Pro की बात नहीं की गई है, Redmi Note 6 Pro की बात नहीं की गई है। तो गाइस यहाँ पर Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5 Pro इन सभी डिवाइसों में एंड ऑफ अक्टूबर तक जो अपडेट है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। बट गाइस यहाँ पर आपको कोई भी डरने की बात नहीं है कि आपकी डिवाइस में अपडेट नहीं आएगा। फिलहाल गाइस यहाँ पर जो अपडेट है वो काफ़ी सारे डिवाइस में आने लगा है, तो धीरे धीरे करके गाइस आपकी डिवाइस में भी आ जाएगा। पर टाइम लगेगा गाइस यहाँ पर कुछ और दिन, यहाँ आप 15 से 20 दिन और वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस मंथ को ख़त्म होने से पहले जो अपडेट है वो आपकी डिवाइस में जरूर से जरूर आ जाएगा। अगर अपडेट नहीं आता है, अगर कोई न्यूज़ आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको हर रोज और न्यू पब्लिश वीडियो अपलोड करके दे दूंगा कि क्या कुछ न्यूज़ Xiaomi की ओर से आया है। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को पूरा कंफर्मेशन हो चुका है कि जो न्यूज़ है वो ऑफिशियली Xiaomi की तरफ से नहीं है बल्कि अनऑफिशियली RPRNA की साइट की ओर से है। तो गाइस यहाँ पर जो वायरल हुआ स्क्रीनशॉट है वो इस वेबसाइट का है। अगर गाइस आप में से कोई भी छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल टेक रिस्क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।